अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, आज वज़ीरे आज़म इमरान खान ने नस्ट इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के दिन पर तकारीब से खिताब किए और नस्ट में तलबा से खिताब करते हुए वज़ीरे आज़म का कहना था कि कुछ अरसा पहले एक प्लान बी हुआ, फिर सी हुआ और अब जेड हो जाएगा। जमहूरियत में खानदानी सियासत जमहूरियत की नफी है। इसी तरह उन्होंने एंटी करप्शन डे की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान जब करप्ट लोगों का पीछा करेंगे तो नया पाकिस्तान बनेगा, करप्ट सोसाइटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं आती। हम आपको सुनवा देते हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम इमरान खान साहब ने इन तकरीब से खिताब में क्या कहा। लेट्स लिसन टू दैट फर्स्ट। जब आप एक बड़ी ख्वाब को चेस करते हैं, फिर आप किश्तियां जला के जाते हैं, आपका कोई प्लान बी नहीं होता। अभी एक प्लान बी हुआ था, वो सी होगा, फिर जेड चला जाएगा। डेमोक्रेसी में दो चीजें हैं, मेरिटोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी। लीडरशिप की डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी है, वो जवाबदेह है, और मेरिटोक्रेसी है। बादशाह के अंदर मेरिटोक्रेसी नहीं है। बादशाह के अंदर खून से लीडर बनता है, या जमहूरियत के अंदर जो हमारी जमहूरियत की जो क्या फ्लॉ है, फैमिली सिस्टम, सारी फैमिलीज पॉलिटिक्स में आती हैं, ये तो बिल्कुल नफी कर देती है जमहूरियत की। अगर खून के ऊपर आपने आना है, आपकी मेरिट ये है कि आप एक फैमिली में पैदा हुए हैं, तो ये तो नफी होगी मेरिटोक्रेसी की। और इसी वजह से 11 साल एक पार्टी का चेयरमैन बना रहे और उसके बाद वो एक थ्योरी लेके आए कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। लोग कहते हैं इमरान साहब ये क्या बार बार कहते रहते हैं कि जी खसारा था और मुश्किल हालात है। मैं सबको कहता हूं कि मैं अगले 4 साल तक आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि किस तरह का पाकिस्तान हमें छोड़ के गए थे, ताकि आपको ये पता चले कि हमने क्या इम्प्रूवमेंट की है। हमारा इतना बड़ा असासा बाहर बैठा है, और क्योंकि मेरा उनके साथ ज्यादा ताल्लुक है, जब आप उनसे दूसरी जानब अगर ऑपोजिशन की बात कर ली जाए तो हमने देखा कि हफ्ते के रोज मरियम नवाज ने अपना नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के लिए और 6 हफ्तों के लिए नवाज शरीफ की आयादत के लिए बाहर जाने की दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट करवाई है। और इस दरख्वास्त की, इस प्ली की आज कोर्ट्स में जो है हेयरिंग हुई, और कोर्ट्स ने फेडरल गवर्नमेंट को मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने के लिए 7 रोज में फैसला करने का हुक्म जारी कर दिया। उन्होंने, कोर्ट्स ने ये भी कहा कि आप पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री से रजू करें, उनके डिसीजन का वेट करें और फिर कोर्ट्स की जानिब आए। अब मरियम नवाज का नाम ECL से निकालना या ना निकालना, इसका फैसला हुकूमत पर आ गया है। यहां पर इस हवाले से बहुत से सवाल जो उठाए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ के वापस आने में अब सिर्फ 4 हफ्ते बाकी रह गए हैं जो उनको मोहलत दी गई थी, जबकि मरियम नवाज साहिबा जो है वो 6 हफ्ते के लिए दरख्वास्त जो है वो जमा करवा रही है। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि मरियम नवाज ने बाहर जाने के लिए जो दरख्वास्त जमा करवाई है, एक तो उसमें इतनी ताखिर क्यों की, डिले क्यों किया गया, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि मरियम बाहर जाकर शायद जो है वापसी उनकी नहीं होगी, और इसीलिए बाहर जाने के हवाले से मरियम नवाज की जानिब से खामोशी भी जो है वो छाई हुई है, उनकी जानिब से मुकम्मल खामोशी है। और ये भी कहा जा रहा है कि पसे पर्दा शायद मामलात कहीं तय भी पा गए हैं, इसी वजह से मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो हैं वो खामोश ही रहेंगे। अब ये तमाम जो सवालात हैं, हम तमाम जो एस्पेक्ट्स भी हैं इस हवाले से, हम ये आज के शो में जो है लेकर आएंगे अंडर डिस्कशन। और साथ साथ हम देखते हैं आज नेशनल असेंबली में जो माहौल नजर आता है उसमें ख्वाजा आसिफ जो है वो बड़ी जारहाना तकरीर करते हैं। उसमें वो कहते हैं कि लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मुजाहरा करने को भी उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया, और साथ ही वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तकरीरी और जो आईनी तरमीम के मामले
मसले पर हुकूमत का साथ है वो ना देने का भी ऐलान कर दिया उन्होंने। अब इस ऐलान के बाद हुकूमत इन मामलात को कैसे हल करती नजर आएगी, क्या ऑप्शंस रह जाते हैं हुकूमत के पास, और फिर ऑपोजिशन की जानिब से इतना स्टर्न स्टैंड क्यों सामने आ रहा है लंडन से वापसी के बाद। साथ साथ हम अगर आज बात कर लें नैब के हवाले से, तो नैब एक बार फिर एक्टिव नजर आती है और इस बार नैब ने हवाओं का रुख हुकूमत की जानिब कर लिया है। चेयरमैन नैब आज जो हैं वो तकरीब से खिताब में कहते हैं कि बीआरटी और मालम जब्बा पर रेफरेंसेस तैयार हैं, हुक्म इम्तना की वजह से कार्रवाई नहीं कर पा रहे, और उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने बड़े बड़े छक्के मारे आज वो जेलों में मौजूद हैं। हम आपको सुनवाएंगे एग्जैक्टली चेयरमैन नैब की जानिब क्या कहा गया, बट इससे पहले हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चले। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ज़ईम कादरी साहब, सीनियर पोलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमें रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पर हमारे साथ हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। और हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन कर रही हैं जनाब गजाला सैफी साहिबा, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन का बाकायदा तौर पर आगाज करें, हम आपको पहले सुनवा देते हैं कि कहा गया आज नेशनल असेंबली में ख्वाजा आसिफ की जानिब से। लेट्स लिसन टू दैट फर्स्ट, फिर हम अपनी डिस्कशन को ओपन करेंगे। कल हमारे हम लंदन में अपने वर्कर्स को कह दें खुदा न खास साम नहीं करेंगे, हम कह देंगे फलां फलां के घर जाके मुजाहरा करो, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां लोगों के घर हैं, यहां लोगों की फैमिलीज रहती हैं, यहां लोगों के अहले खानदान रहते हैं, अहले खाना रहते हैं, घरों का चार दीवारी का जहां पे आपकी फैमिली रहती है उसकी एक हुर्मत होती है, उसका एक तकद्दस होता है, आप उसको वायलेट कर रहे हैं। कहां तक ये लेके जाएंगे आप इस टेंशन को? मेरी दरख्वास्त है जाती दुश्मनियों में तब्दील ना करें, हम दुश्मनियां निभाना भी जानते हैं, हमें मजबूर ना करें। अगर हमारे कायद के घर के ऊपर जहां पे वो और उसकी फैमिली रह रही है वहां पे हमला हो सकता है, तो यहां पे हर हमारा मुखालिफ जो है वो एक्सपोज्ड है, वहां पे भी हमला हो सकता है, चाहे वो लंदन हो। जैसे कि अभी आपने देखा हमें, जैसे कि आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो इंतहाई इश्तियाल में नजर आए हैं नेशनल असेंबली में, और वो जो लंदन में नवाज शरीफ साहब की रेजिडेंस के बाहर जो प्रोटेस्ट किया गया है प्रोटेस्टर्स की जानिब से, वो कह रहे हैं कि मुजाहिरीन ने नवाज शरीफ के घर का दरवाजा तोड़ने की भी कहा जा रहा है कि कोशिश की गई है। तो अब ये ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा दो टोक कहा है कि वो इस मेजर की मजम्मत करते हैं और वो कह रहे हैं कि घरों का चार दीवारी का एक रुतबा होता है और इस सियासी दुश्मनी को जाती दुश्मनी में तब्दील ना किया जाए, वरना हमें भी जवाब देना आता है, बदला लेना आता है। तो अब ये यहां पर अगर आप हमें इजाजत दें तो हम ज़ईम कादरी साहब आपसे अपनी डिस्कशन का आगाज करेंगे। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ या किसी सियासतदान के घर का तकद्दस पामाल हुआ तो आखिरी हद तक जाएंगे। अब इस तरह के रवैये को देखते हुए आपको क्या नजर आ रहा है, किस हद तक जाने की बातें यहां पर हो रही हैं? बहुत मेहरबानी नीलम, मैं ये समझता हूँ कि ये यकीनन उसी सोशियो पॉलिटिकल टेक्सचर की तबाही का नतीजा आज सामने आ रहा है जो गाली गलौज की सूरत में ख़ास तौर पे पिछले चार बरस में एक नई पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई की तरफ से रवा रखा गया और आज वो बढ़कर लोगों के घरों तक पहुँच गया है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बात इस तरह ही जारी और सारी रही तो किसी को भी यह हक पहुंचता है कि वो अपने दिफा में कोई भी रिएक्शन दे। खुदा ना करे कि यह सोशियो पॉलिटिकल टेक्सचर इतना तबाह हो जाए कि लोग अपनी सियासी मुखालफतों को ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील कर दें। ये तब हुआ करता है जब यकीनन हमारे माशरे में आप जानती हैं कि तालीम की कमी और अपने 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 एटीट्यूड्स को बहुत ज़्यादा अगले पर थोस या थोप देने की जो आदत है वह हम सब में है, और जब वो चीज़ बहुत तूल पकड़ जाती है तो वो फिर एग्रेशन की तरफ चली जाती है।
اسی چیز کا یہ شاخصانہ تھا. اور رائٹلی سو کہا خواجہ آصف صاحب نے کہ وہ تو کورٹ کی اجازت سے باہر گئے ہیں, اگر وہ اس کے بعد وہاں اوور سٹے کرتے ہیں یا کورٹ کے حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پھر یقیناً جو ہے وہ ایک ریاکشن گورنمنٹ کا جو ہے وہ جانا چاہیے. لوگوں کو ڈائریکٹلی اس طرح انوالو نہیں ہوتا. دنیا کے مہذب معاشروں میں جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو سب لوگ آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں, نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس ہوتا ہے, اور یقیناً نیشنل کنسنسس کرنا حکومت کی ہی ذمہ داری ہوا کرتی ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نیشنل کنسنسس اور نیشنل ایشوز لیں گے. ٹھیک, زعیم قادری صاحب آپ کا پرسپیکٹیو آ گیا, ہم حکومت سے بھی جواب لیں گے, لیکن ہم پہلے حارث نواز صاحب آپ کا پرسپیکٹیو لے لیں. یہ جو آج کی ہمارے سامنے خواجہ آصف صاحب کی جو سپیچ ہے نیشنل اسمبلی میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی اس میں نہیں آنا چاہتے, سیاسی دشمنی کو ذاتی دشمنی میں بدلنا نہیں چاہتے, لیکن اگر نواز شریف یا کسی سیاستدان کے گھر کا تقدس پامال ہوا تو آخری حد تک جائیں گے. اب یہ جو پروٹیسٹ کیا گیا ہے لندن میں نواز شریف صاحب کے ریزیڈنس کے باہر, وہ پروٹیسٹرز کی جانب سے کیا گیا ہے, ان کو کس طرح سے ٹیم کیا جائے؟ کیا حکومت کوئی رول پلے کر سکتی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ خواجہ آصف صاحب ہمیشہ اسمبلی, دیکھیں بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب ہمیشہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بہت دھواں دار تقریر کرتے ہیں اور نون ہے, کافی لوگوں کے خلاف باتیں کہ انسٹیٹیوشن کے خلاف بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایسے موقع پہ جب آپ کو گورنمنٹ نے بہت زیادہ ریلیف دیا ہوا ہے, ایک آپ کے لیڈر کو باہر جانے کی اجازت دی ہے, اس کے بعد اپنا علاج کرا رہے ہیں, وہاں پر آپ کے پولیٹیکل گیدرنگ ہو رہی ہیں, آپ رہتے پاکستان میں ہیں اور فیصلے آپ انگلینڈ میں جا کے سارے آپ کے پولیٹیکل لیڈرز کرتے ہیں, یہ چیزیں بھی ہمیں سوچنے کی ہے. اور یہ گھر کے اگر مظاہرہ کرنا ہے لوں گا, مظاہرہ ایک کنٹرولڈ ہے ڈیموکریسی میں, تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ جہاں بھی کر سکتے ہیں, لیکن اسمبلی میں آ کے تھریٹ کرنا کہ جی کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم پرسنل کر دیں گے, ہم گھروں کے آگے کر دیں گے, ہم بدلے لے سکتے ہیں, یہ باتیں اوور آل نہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے نہ اپوزیشن کو کرنی چاہیے. اس وقت حالات ویسے اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی ٹینس ہیں اور بہت پرابلمیٹک لگ رہے ہیں. اس وقت چاہے آپ آرمی کو دیکھیں تو چیف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کی پرابلم سپریم کورٹ نے ڈالی ہوئی ہے, اس کے بعد آپ کے اپنے کرپشن کے کیسز گورنمنٹ کے چل رہے ہیں, چیئرمین نیب کوئی باتیں کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہی آئی ڈونٹ ایگری کیسے ہونا چاہیے, ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور جو سسٹم چل رہا ہے, دیکھیں گورنمنٹ کو چلانے کے لیے یا کوئی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے چار چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ایک آپ کو گڈ گورننس چاہیے, پھر میرٹ چاہیے, اس کے بعد زیرو کرپشن چاہیے, اور پھر روتھ لیس اکاؤنٹیبلٹی چاہیے. یہ چیزیں ہیں جو کہ سائڈ بائی سائڈ کرنے چاہیے. اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو وہ کیس علیحدہ چل رہا ہے, اس کو لیٹ اٹ گو, چاہے وہ گورنمنٹ کا ہے, اپوزیشن کا ہے, کسی پارٹی کا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کوئی بات گورنمنٹ کے معاملات نیشنل اسمبلی میں نہیں لانے چاہیے. آلرائٹ, ہم گورنمنٹ کا پرسپیکٹو لیں گے اس معاملے کو لے کر. غزالہ سیفی صاحبہ آپ کو بھی ہم نے سنوایا بھی کہ خواجہ آصف صاحب کی جانب سے کیا کہا گیا ہے. اب یہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس طرح کے اقدامات کی آخر مذمت کیوں نہیں کرتی ہے, یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے. اور پھر یہ جو پروٹیسٹرز ہیں, یہ جو مظاہرہ کرنے والے ہیں, یہ تحریک انصاف کے کارکن ہیں بھی یا نہیں؟ لیکن پارٹی کی جانب سے اس قسم کے مظاہروں پر یا اس قسم کے اقدامات پر کسی قسم کی کوئی مذمت یا کوئی کنڈیمنگ سٹیٹمنٹ کیوں نہیں جاری کی جاتی, یا اس چیز کو کنڈیم کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ زعیم قادری صاحب جو ہیں میرے خیال میں کسی لالا لینڈ میں رہتے ہیں, اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو لیڈران بننے کے بعد آپ کو دھوکہ دیں, آپ کا بھروسہ ہو جن کو آپ نے ووٹ دیا ہو, اور وہ پھر آپ کو دھوکہ دیں اور آپ کو کئی صدیوں پیچھے چھوڑ جائیں ترقی کی راہیں, جہاں پہ آپ کے پاس 60% سے زیادہ جوان موجود ہوں, نوجوان موجود ہوں, وہاں پہ ان کی ترقی کو روکا جائے, اور اس کے باوجود یعنی کہ ہم اس بڑے میں گر جائیں جوان, جبکہ آپ کے پاس اتنے, پلیز آپ کو میری بات سننی پڑے گی زعیم صاحب, بیکاز یہ بہت اہم بات ہے. آپ نے میرا نام لیا نا جی, آصف صاحب نے, اور آپ نے جس طرح میرا نام لیا ہے, آپ کو یو شوڈ بی کنٹرولنگ یور سیلف بیفور ٹیکنگ سمبڈیز نیم. یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں یہ کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں پہ اٹیک کرنا شروع کر دیں؟ اور کیا یہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ لندن میں نواز شریف صاحب یا ان کے خاندان کے خلاف پروٹیسٹ کے نعرے مار رہے ہیں,
वो कोई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के भेजे हुए एजेंट है। आप ये सोचिए कि लोगों के खून गरमाए हुए हैं और लोग यानी कि अपने आप को बाकी कौमों की कतार में पीछे देख के परेशान हैं और इसकी वजह करप्शन है और जो हमने भुगत रहे हैं और आपने छोड़ा है पीछे उसका जरा। अब आप लंदन के शहर में बैठ के हर कुछ, अब जन्नत में नहीं जा सकते, आप ये नहीं सोच सकते कि आप एक कौम के तमाम लोगों को। हम यहाँ पर ज़ैन कादरी साहब को मौका देंगे कि वो रिस्पॉन्ड कर दे। गजाला सैफी साहिबा, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है हमारे, ठीक, ये हमारी तरफ से नहीं है। ये जो एटीट्यूड अपनाया गया है और जो गुफ्तगू की है और कौम ने सुन ली है उसके बाद मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट अ पार्टी टू एनीथिंग। बट मैं तो एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूं कि जब भी आप सोशियो पॉलिटिकल टेक्सचर को ख़राब करेंगे तो ये डेमोक्रेसी के लिए कोई, उन्होंने मुझे भी बीच में कुछ कहने की कोशिश की गालिबन, शायद वो जानती नहीं कि मेरा तो किसी पोलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि देखें, जब आप चीज़ों को ले कर चलते हैं तो हकूमत के अपने एटीट्यूड्स होते हैं, हकूमत ने उन एटीट्यूड के साथ निज़ाम को चलाना होता है। अपोजिशन भी तो बहरहाल वोट लेके आई है ना, वो तो, मैं तो किसी को सिलेक्टेड भी नहीं कह रहा, वोट लिए, वोट हुए, आ गए, अपोजिशन में भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अब आपने नुक्ता नज़र सुन लिया पीटीआई का, इसके बाद कौम फैसला कर ले कि कौन है जो इस मुल्क को पोलिटिकली स्ट्रेंथन करना चाह रहा है और कौन है जो इसका सोशो पोलिटिकल टेक्सचर डिस्टर्ब करना चाह रहा है, जो गुफ्तगू वजीर आजम फरमाते हैं और रोज फरमाते हैं। उसके बाद बीबी, मैं आपकी बात में नहीं बोला, खामोशी से सुनिए प्लीज, स्टे क्वाइट। अर्ज ये है कि जिस तरह सोशियो पॉलिटिकल टेक्सचर को तबाह किया जा रहा है, दैट इज रिडिकुलस। आगे लेकर जाना चाहूंगी, अब जरा इनको चुप कराएं, खामोश कराएं, मैं बात तो खत्म कर लूं। आप लोग इस किस्म की ये पीटीआई की आदत है, ये बातें नहीं सुनते किसी की। जाने पाएंगे ज़ैन कादरी साहब, आप मुकम्मल करिएगा प्लीज। मैं किस तरह मुकम्मल करूँ बीबी, मैं बदतमीज आदमी नहीं हूँ, वो खातून है, बोली जा रही है, मैं क्या करूँ उनका, आप प्लीज मैनेज कीजिए उनको, देन आई विल स्पीक, अदरवाइज आई विल नॉट। ऑलराइट, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में यह भी कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में हकूमत से राबते नहीं रखे जा सकते और उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन की तरफ के अपॉइंटमेंट्स का मामला है और जो कानून साजी का मामला है उसमें हिस्सा ना बनने का भी ऐलान किया है। अब ये हारिस नवाज साहब, आपकी जानिब हम आएंगे, ये बड़ा ब्लैटेंट ऐलान किया गया है ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, आगे जो ये दो बड़े चैलेंजिंग टास्क है जो कि करने हैं हकूमत और अपोजिशन को साथ बैठ कर एज अ टीम वर्क के तौर पर, वो बड़ा ब्लैटेंटली कह रहे हैं कि हम ना ही इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट्स में हकूमत के साथ हैं और ना ही जो आर्मी चीफ के हवाले से उनकी मुद्दत मुलाजमत के हवाले से लेजिस्लेशन है उसमें हम इन मौजूदा सूरत हाल में ताबुन नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट को और अपोजिशन को बड़ा जरूरी समझना चाहिए, बात यह है कि आप क्या चाह रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, एक मुल्क में खुदा करके शुक्र करके और 10 साल के बाद जमहूरियत प्रॉपर तरीके से आ रही है, परवान भी चढ़ रही है, आर्मी अपने आप को बिल्कुल इन चीज़ों अलग रख रही है, बट देन यू हैव टू डिसाइड कि आप क्या करना चाहते हैं। आप ऑपोजिशन का देखें, डेमोक्रेसी में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है और स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होती है और वो हुकूमत का निज़ाम चलाते हैं। अब अगर आप आपस में कॉपरेशन नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, गवर्नमेंट हैज़ टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, उनको चाहिए कि और ज़्यादा मेच्योरिटी से काम करें, ऑपोजिशन को साथ लेके चलें। अगर नहीं लेते हैं, जिस तरीके से ये बातें की जा रही हैं, ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है और ये ही हमारा दुश्मन जो है, हमारे दुश्मन का नैरेटिव है वो यही है कि पाकिस्तान के अवाम को और फौज को आपस से दूर करो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है और जब तक फौज स्ट्रांग है पाकिस्तान की फेडरेशन स्ट्रांग है, फौज को कमज़ोर कर दें और फिर खुदा न खासा फेडरेशन को थ्रेट कर दिया जाए। ये नैरेटिव जो हम इनएडवर्टेंटली, आई डोंट से कि जान के कर रहे हैं, ना समझी में भी ये बहुत खतरनाक बात है। ये बहुत बड़े दो नेशनल इशू हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट को और अपोजिशन को तमाम चीज़ों को छोड़ के असेंबली में बैठने हैं, इसको रिजॉल्व करने हैं कि आपने चीफ इलेक्शन कमीशन को सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट अपोजिशन में बैठना है। ये जमहूरी निज़ाम है, जमहूरी तरीके से इसको हल करना चाहिए, बजाय इसके कि ये सुप्रीम कोर्ट पर या हाई कोर्ट पर डाल दिया जाए, ये इट्स नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। इसी तरीके से चीफ आर्मी स्टाफ का प्रॉब्लम है, एज लॉन्ग एज द इशू इज इन पार्लियामेंट तो फिर तो हम कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी हो जाएगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, देन इज अ बिग बिग डिफिकल्टी। ये चीज़ें हमें समझनी है, मुल्क के मफादात में
पाकिस्तान लेकिन ये की समझेगा नेक्स्ट कौन, क्या हुकूमत क्या ऑपोजिशन इन मामलात को समझेगी? यहाँ पर ज़ईम कादरी साहब, हम आपका रिस्पांस ले लें तो फिर हम हुकूमत की जानिब भी जाएंगे। ये अब मुस्लिम लीग नून जो है आपके सामने हमने रखा है मामला के ख्वाजा आसिफ का, जो आज बड़ा एक ब्लैटेंट ऐलान है। अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद को इन मामलात से, जो दो मेजर चैलेंजेस सामने, इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट्स का मामला है, हमने देखा कि उस पर भी नून लीग जो है वो कोर्ट्स के पास जाती है और कोर्ट जो है वो उनके जो रिमार्क्स थे कोर्ट्स के, वो भी कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंटेरियंस को खुद बैठ के इन मामलात को हल करना चाहिए, हर मामले में अदालतों को जो है इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो अब ये अगर नून लीग खुद ही अपने आप को इन मामलात से लातालुक कर रही है, तो फिर ये चैलेंजेस जो सामने खड़े हैं ये बेहतरी की जानिब कैसे जाएंगे? पार्लियामेंट जो है वो एक बार फिर क्या हमें डिसफंक्शनल ही होती हुई नजर आएगी? कोई काम वहां पे ऑपोजिशन और हुकूमत एज अ टीम बैठकर करते हुए नजर आएंगे? क्या अब फैसले जो है वो इदारों से ही हमें होते हुए नजर आएंगे? फिर पार्लियामेंट किस काम का? क्या आपने दुरुस्त फरमाया। एक तो मैं आई वुड वाउच व्हाट ब्रिगेडियर साहब वाज सेइंग। देखें, जो लोकल लेजिस्लेशंस या इलेक्शन कमीशन की तैनाती और ये सब कुछ, ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं। आज मुल्क जिस जगह पर मौजूद है ना बीबी, और जिस तरह माजरत के साथ एक ऐसे इशू को, जो मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम के बच्चे बच्चे का इशू है, और वो एक निज़ाम जो इस मुल्क को आज जिंदा रखे हुए है, आपकी दोनों सरहदों पे जो हो रहा है, जिस तरह डिफेंडर्स ने डिफेंड किया है आपके टेररिज्म को, अनप्रेसिडेंटेड है। अगर आपने आज उस तकरीम को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको यह हक हासिल नहीं है पाकिस्तानी होते हुए कि वो उस सैंक्टिटी को किसी तरह भी डिस्टर्ब या थ्रेट करने की कोशिश करे। पूरी कौम उसकी मुजम्मत करती है और मैं कैटेगोरिकली उसकी मुजम्मत करता हूँ। लेकिन अर्ज सिर्फ ये है, बेट साहब ने सारी बात बिल्कुल दुरुस्त की, इन्होंने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसमें मुश्किल आ गई। अर्ज ये है सर, ब्रिगेड साहब, आप उस महकमे को जानते हैं, क्या उस महकमे में ये ऐसी कोशिश है कि वो किसी को मतलब थ्रेट करके तो ये काम करवा लें? क्यों नहीं वो काम दुरुस्तगी से किया गया और 5 बार उस चीज को कोर्ट में लाया गया? मेरा सवाल उस इनकॉम्पिटेंस पे है गवर्नमेंट की, जिसको बार बार कहने के बावजूद ये सिस्टम दुरुस्त नहीं किया जा सका। और अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, और लेजिस्लेशन की आपने जो बात की 100% दुरुस्त की, कि लेजिस्लेशन अगर आपने करनी है 2/3 अमेंडमेंट से या सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी के साथ भी, तब भी मैं ये समझता हूं कि पूरी कौम के नुमाइंदों को उस सिंपल मेजोरिटी के साथ खड़ा होना चाहिए। इट्स अ नेशनल इशू। हिंदुस्तान जो जहर उगल रहा है पिछले 8 माह से, और जो जुल्म की बर्बरियत की दास्तानें कश्मीर रकम की जा रही हैं, और जिस तरह अफगानिस्तान को अनसेफ किया जा रहा है, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी सीरियस डिबैकल विद इंटरनेशनल वर्ल्ड हेयर। मैं नहीं कह सकता वो सब कुछ ओपनली, जिस तरह फाइनेंशियली जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मुल्क को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, जिस तरह उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को इस तरह ट्रिम करके बेहतरीन तरीके से स्ट्रीमलाइन किया, ये अनप्रेसिडेंटेड है बीबी। लेकिन बहरहाल इन इश्यूज को अकल और तरीके से हल करना चाहिए। लोग हमारा, आपने देखा नहीं इंडिया ने क्या किया है हमारे साथ 10 दिन उन इश्यूज पर? नहीं, मेरी बात खत्म होने दे, एक दो मिनट हम पूछ लेते हैं। और जहां तक ताल्लुक है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन आप मुकबल कर लें, एक लोकल सा इशू है, वो एक लोकल पॉलिटिकल इशू है जिसका यकीनन एक इंपैक्ट है। इलेक्शन कमीशन का भी डिसफंक्शनल होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन खुदारा आप देखिए ना, जो साहब बैठे हुए ऊपर, अब मैं यहाँ कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे फिर वो मेरी बहन जो है वो नाराज हो जाए। लेकिन ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के मामले को भी लेके कोर्ट्स में चली जाती है। ऑलराइट, हम यहाँ पर गजाला एक जुमला सुन ले, एक लास्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस कि वो उन्होंने कह दिया कि जी आप तो फौज में और आपको तालीम का बड़ा है, ये बड़ी मुश्किल बात है। ये ब्रिगेड साहब बैठे हैं मेरे साथ, जो लोग गए थे वो जब मैंने ग्रेजुएट किया था और जब वो ग्रेजुएट किए थे PMA से, तो उनका जो एक्यूमेंट और IQ था वो मेरे से कम से कम 25-30% ज्यादा था। तो जिस किस्म की वहां पे ट्रेनिंग और तालीम दी जाती है, उन्होंने जिस तरह ये गुफ्तगू की है, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनसे पूछूं कि आप कौन साहब है, आपने कभी देखा है कि वहां कौन क्या पढ़ा रहा है? यार कोई गुफ्तगू का तरीका ही सिखा दे उनको।
तो अर्ज ये है कि जब तक आप लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, नेशनल इश्यूज पर नेशनल कंसेंसस नहीं हो सकता। बट कमिंग बैक टू माय पॉइंट, ज़ईम कादरी साहब, आपका पर्सपेक्टिव आ गया। गजाला सैफी साहिबा, ये अब हुकूमत के सामने भी ये तमाम मामलात हैं, आपकी मेजोरिटी है ही नहीं, सिंपल मेजोरिटी है ही नहीं नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट में, आपको अपोजिशन का साथ चाहिए। न सिर्फ ये कि अपोजिशन ने ऐलान कर दिया है कि वो हुकूमत का साथ नहीं देगी, इनफैक्ट आपके जो एलाइज हैं वो भी स्लिप हो रहे हैं आपसे। हमने देखा कि फ्राइडे को जो अख्तर मेंगल साहब हैं वो वॉकआउट कर जाते हैं ऑपोजिशन के साथ, जब प्रोडक्शन ऑर्डर्स की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से ऑपोजिशन वॉकआउट करती है तो अख्तर मेंगल साहब भी वॉकआउट कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत के अपने एलाइंस तक जो है उनके साथ नहीं इस वक्त खड़े नजर आ रहे, और ग्रजेस कुछ लग रहा है कि एलाइंस को भी आपसे है, प्लस ऑपोजिशन ऑन टॉप ऑफ दैट अनाउंस कर रही है कि हम हुकूमत के साथ तावुन नहीं करेंगे। तो अब ये इस तमाम मामले को लेकर, इस ऐलान को लेकर आज के मुस्लिम लीग नून के, हुकूमत अब इन मामलों को कैसे टैकल करेगी, आप कैसे लाएंगे ऑन बोर्ड सबको अपने साथ? ये आप मुझे सिर्फ बताइए कि एक तो जोर जबरदस्ती से आप किसी एक ऐसे लीडर को या एक ऐसी पार्टी को जो कि अपनी एक राइटफुल तरीके से आई है इन द गवर्नमेंट, उसको आप देरबार करने की कोशिश करें मुख्तलिफ तरीकों से, वैसा मुमकिन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि अगर आप सिंपल मेजोरिटी नहीं है और कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो उस मतलब ज़ईम कादरी साहब जो हैं बड़े बाहोश हैं, बड़े समझदार हैं और बहुत ही पाए के पॉलिटिशियन हैं, तो जरा जो ये सबक दे रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, काश अपनी पार्टी के लीडर्स को भी थोड़ी सी ये बातें समझा देते। मेरा उनसे क्या ताल्लुक है, मैं तो कौन से बात कर रहा हूँ दीदी। खराब है नैरेटिव गवर्नमेंट का जो है वो एक फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर कंट्री, और इस वक्त मुल्क को बचाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है मगर मुसलसल पे दर पे मुल्क के कमर पे चाकू घोंपे जाएं, और उसके बाद चाकू घोंपने वाला खुद ही ये कहे कि जी बुरी बात है, चाकू नहीं घोंपना चाहिए। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहे हैं, बिकॉज पार्लियामेंट में मैं बैठी होती हूँ और मुझे पता है कि किस तरह की यहाँ पे पेशरफ्त होती है और किस तरह की गुफ्तगू होती है, अपनी बात करते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं असेंबली से। तो जरा सा देखिए, गवर्नमेंट का तो काम है सबको एक, लेकिन गजाला साहिबा एलाइंस के वॉकआउट का आप किस तरह से, उनके वॉकआउट को कैसे देख रही है हुकूमत? देखिए ये सबका एक जो एलाइंस होते हैं या जो इवन पार्टी के भी आपके मेंबर्स होते हैं, आपकी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके अंदर कभी कभी राइट होता है वॉकआउट कर जाने का, इस पे आपको इस कदर तहलके मचाने की जरूरत नहीं है, उसका राइट है कि वो जब चाहे डिसाइड करे और उसको नहीं सूट कर रहा सिचुएशन तो अपनी किसी तरह से भी दिखाए अपनी उसको कि जी मैं आई एम नॉट हैप्पी विद इट या मुझे इसके साथ नहीं मुत्तफिक नहीं हूँ, तो इसको बहुत बड़ा वावेला बताने की जरूरत नहीं। मगर मुझे अफसोस सिर्फ आज ख्वाजा आसिफ साहब की इस तकरीर पे है कि उन्होंने बाकायदा धमकी दी है तमाम उन लोगों को कि कोई भी अगर नवाज शरीफ, यानी कि वो कॉन्विक्ट होने के बावजूद मुल्क छोड़ के इलाज की खातिर गए हुए हैं, वहाँ पूरी सियासी गुफ्तगू हो रही है, मीटिंग हो रही है, घर पे बैठे हैं, किसी अस्पताल में नहीं है, वो जितने वो बीमार अपने आप को लोगों से डॉक्टरों से लिखवा के बता रहे हैं, और उसके बाद जब कौम के कोई बच्चे वहाँ खड़े होकर अगर नारा मारते हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई अमल दखल नहीं है, उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को और उनके लीडर्स को धमकी लगाते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, तो ये कौन सी इंसाफ और शराफत की बात है? इतने सीनियर लीडर होने पे क्या उनको ये सूट करता है इस किस्म की बात करना? आप एक तरफ तो कह रहे हैं, लेकिन अब ये इतने बड़े नेशनल इश्यूज आपके सामने हैं, हुकूमत के सामने भी, ऑपोजिशन के सामने भी, हारिस नवाज साहब हमारे सामने, इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट्स इशू हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन स्टैंड स्टिल है हम देख रहे हैं, और फिर जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी जो मुद्दत मुलाजमत का मसला है, जो एक्सटेंशन का इशू है उसके हवाले से लेजिस्लेशन भी करनी है, कोर्ट्स ने जो है टाइम फ्रेम दे दिया है, और यहाँ पर ऑपोजिशन और हुकूमत एक साथ चलना तो दूर की बात, वो आमना सामना भी करने से जो है
वो गुरेजा नजर आती हैं। एक और इशू जो आता है सामने वो मरियम नवाज के हवाले से है कि उन्होंने ECL से अपना नाम एक्सक्लूड करने के लिए 6 हफ्तों के लिए बाहर जाने के लिए जो है लाहौर हाईकोर्ट में अप्लाई कर दिया, उनसे रजू किया है। अब लाहौर हाईकोर्ट ने मामला जो है हुकूमत पर छोड़ दिया है, उन्होंने कहा है मरियम नवाज को कि आप पहले जाएं, आप इंटीरियर मिनिस्ट्री से जो है रजू करें और उनके डिसीजन का वेट करें और फिर अदालतों में आए। तो अब ये मामला हुकूमत की कोर्ट में चला गया है, उनके कोर्ट में, तो आपको लगता है कि कोई हुकूमत फैसला कर सकेगी? 7 दिन का जो है वक्त दे दिया गया है। देखिए नीलम, एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीफ आर्मी स्टाफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को बहुत ये सोचना चाहिए था कि पहले ही गवर्नमेंट के और अपोजिशन के बहुत क्राइसिस चल रहे हैं और एक नेशनल सिक्योरिटी अदारा जो बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है इस वक्त हमारे मुल्क को और जो फौज एक किरदार अदा कर रही है उसको देखते हुए ये वहीं पर रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। एटलीस्ट जो प्रोसीजरल मिस्टेक थी, आई एग्री कि गवर्नमेंट ने कुछ गलतियाँ की, उसको ठीक करते प्रोसीजर मिस्टेक को और इसको एक्सटेंशन कर दी जाती जो कि पहले से होती आ रही, और आइंदा के लिए एक बता देते कि जी अब आइंदा के लिए अब लेजिस्लेशन कर लें और नेक्स्ट टेन्योर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो ये तरीका था, क्योंकि इससे ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट रियलाइज करते कि कितनी सख्त बार्गेनिंग होगी इस वक्त, जबकि पीपल्स पार्टी और PMLN के केसेज हैं करप्शन के, गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम होगा और इट विल बी वेरी वेरी एम्बेसिंग फॉर द आर्म फोर्सेज एंड इट विल बी वेरी हैप्पी सिचुएशन। एंड नैरेटिव एनिमी का जो है वो इस पे इतने नारे लगा रहे हैं, मैं आई गो टू इंडियन चैनल्स, जिस तरीके से उनका पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक वी ऑल नो कि उस पर क्या इशू हो रहा होगा। एक तो ये बात है। अब हम बात करते हैं मरियम नवाज की। देखें बात जी के गवर्नमेंट मेरे ख्याल में इन सिचुएशन को देखते हुए कैबिनेट में और फिर रिव्यू कमेटी जो है ये कभी भी इनको जाने की इजाज़त नहीं की, जो मेरी अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। इससे के देर नो सर्टन रीजन, वहाँ उनके दो बेटे हैं, बहुएँ हैं, एक बेटी है, समधी हैं और भाई हैं, भतीजे हैं, एवरीबॉडी देयर टू लुक आफ्टर। अगर मरियम नवाज भी चली जाती हैं तो फिर इनके पास कोई एक तो रीज़न नहीं है कि क्यों भेजा। आपके सामने एक रमनान शुगर मिल की बेल है, दूसरे केसेज चल रहे हैं अनफील्ड के, सारे केसेज के होते हुए इस वक्त कोई अल्लाह ना करे सीधा नॉट कोई बीमार नहीं है, वो भी एक रीज़न नहीं बनता उनको भेजने का। इन एनवायरनमेंट में अपरेंटली ये लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से रिव्यू कमेटी जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री की, वो तो अलाउ नहीं करेगी। अगेन दे विल गिव स्ट्रेट अवे, दे विल गो टू द हाई कोर्ट। अब लाहौर हाई कोर्ट की आई माय ओन रिजर्वेशंस कि वो उनकी क्या सोच होती है। जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से उम्मीद ना ही लगाएं मरियम नवाज साहिबा, लेकिन उन्होंने जो प्ली इख्तियार की है उनका जो मौकफ है वो कह रही है कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम लगाकर नाम ECL में उनका डाल दिया गया और फिर मौकफ सुने बगैर नाम जो है ECL में डालना एग्जिट कंट्रोल ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी है। और फिर हुकूमती वज़रा हम देखते हैं कि वो तो पहले से ही कह रहे हैं कि मरियम नवाज को बैरून मुल्क बाहर नहीं जाने देंगे। तो अब मामला अदालत ने हुकूमत पर फिर से छोड़ दिया है, तो आपको क्या लगता है कि ये फिर वापस कोर्ट्स में ही मामला जाता हुआ नजर आएगा? एब्सोल्युटली, ये यहाँ से गवर्नमेंट विल रिफ्यूज अगेन, दे विल गो, और कोर्ट ने खुद भी अलाउ भी किया है कि उसके बाद अब हमारे पास आ सकते हैं। और हाई कोर्ट लाहौर का जो है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर PMLN के लिए, अगर वहाँ जाते हैं रिलीफ मिलता है तो देन गवर्नमेंट माइट इमीडिएटली गो फॉर स्टे टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि यही उनके पास ऑप्शन रह जाएगी, अदरवाइज तो आपको नाम निकालना पड़ेगा। और अगर वो स्टे करते हैं कोर्ट में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर वहाँ डिपेंड करता है कि क्या ये जो मौका अपनाया गया है कि एग्जिट कंट्रोल ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी की गई है, ये आपको लगता है कि अप्लाई होगा फिर हुकूमत पर? नीलम, ऐसी बात नहीं है। देखें अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो होता है जहाँ केस चलता है वो इनिशिएट करता है और फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इसको रिव्यू करके इसको ECL में डालते हैं। और जब आपका केस चल रहा हो करप्शन का, करप्ट प्रैक्टिसेस का, फिर उसके बाद बियॉन्ड लिविंग बियॉन्ड मीन एसेट्स का चल रहा होता है, आपको सजा भी हो जाती है, फिर केस हाई कोर्ट में चल रहा है, रमजान शुगर में मनी लॉन्ड्रिंग के आपने कैसे पैसे को अवॉइड किया है, सारी चीज़ों को देखते हुए ये कोर्ट का प्रोगेटिव एक है। लेकिन आज तक नैब ने आगे इनिशिएट किया हुआ है ECL के लिए नाम और फिर उसके बाद ECL डाला हुआ है। ये बहुत डिफिकल्ट केस है, इट इज नॉट वेरी इजी, इतना आसान नहीं है निकालना ये, आई थिंक। लेकिन फिर बहुत ज्यादा ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर ज़ईम कादरी साहब, अब मरियम नवाज साहिबा ने नाम निकलवाने के लिए अब सवालात ही उठ रहे हैं कि भाई इतने दिन इंतजार उन्होंने क्यों किया, पहले अदालत से क्यों नहीं रजू किया गया और फिर पहले पासपोर्ट वापस क्यों नहीं मांगा गया, ये अब अचानक से, जबकि अब वो 6 हफ्ते मांग रही है, नवाज शरीफ जो है उनके पास 4 हफ्ते की मोहलत रह गई है, तो ये इतना डिले क्यों नजर आया, उनको अब क्यों ख्याल आया?
जी ये तो यकीनन मैं नहीं बता पाऊंगा कि उनको ये अब ख्याल क्यों आया, 2 हफ्ते का उसमें फ़र्क है। गालिबन वो यही कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, कि वो जो है वो मजीद इलाज के लिए शायद यूनाइटेड स्टेट्स उनको जाना पड़े, तो उसको प्रीएम्प्ट करते हुए अपने एक राइट को उन्होंने इस्तेमाल किया। और मेरा ख्याल है कि ये ब्रिगेड साहब ने बिल्कुल कानून भी सही बताया कि लीगल इसमें इम्प्लिकेशंस मौजूद हैं, और उसमें फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर आप इसको पढ़ें तो जूरिस्प्रूडेंस के तहत इसमें ये राइट बनता है कि अगर आपको फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड कोर्ट के पास ही ये ताकत है कि वो आपको इजाज़त दे दें, और अगर आप उस टाइम पीरियड में वापस नहीं आते तो यू आर लायबल टू पेनल्टीज एंड ऑल दोज पेनल्टीज आर टू बी फिक्स बाय द कोर्ट एंड दे वुड बी फिक्स बिफोर गिविंग एनी रिलीफ, बिकॉज ये कानून है कि एक पेनल्टी फिक्स किए बगैर या लेजिस्लेटिव इम्प्लिकेशन किए बगैर आप सिर्फ फ्री इजाजत नहीं दे सकते कि आप चले जाएं और जब मर्जी आए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इट आई थिंक इट वुड इवेंचुअली एंड अप इन द कोर्ट एंड वट एवर द कोर्ट वुड डिसाइड वुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर। और उसमें मैं नहीं समझता कि हमें कोर्ट्स पे, पहले भी आपने देखा बहुत तकरीरें हुई दोनों तरफ से, हुकूमत ने कुछ कहा, अपोजिशन ने भी उस पर बड़ी माइलेज लेने की कोशिश की जो गालिबन उनको नहीं मिल पाई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला है वो इवेंचुअली कोर्ट से ही होगा, और अगर द कोर्ट वुड फील फिट दिस केस एज अ पॉजिटिव आंसर, दे वुड सर्टनली रिएक्ट इन अप्रोप्रिएट मैनर। ऑलराइट, यहाँ पर गजाला सैफी साहिबा, जो आप लोगों के वज़रा कह रहे हैं, हुकूमती वज़रा कहना शुरू हो गए हैं, जैसे कि फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब तो जा चुके हैं, वो तो माइनस हो चुके हैं, अब मरियम नवाज जो है उनके माइनस होने का टाइम आ रहा है, और मरियम नवाज जब से रिहा हुई हैं वो बड़ी खामोश, इस वक्त उनकी जानिब से कंप्लीट साइलेंस है इधर पॉलिटिकल अरीना के हवाले से। और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की, पहले वो तीमारदारी में मसरूफ थी लेकिन अब वो नवाज शरीफ साहब तो लंदन जा चुके हैं, उसके बावजूद भी मरियम नवाज खामोश ही है। तो ये आपको लग रहा है कि नून लीग अल्टीमेटली जो है वो तमाम लंदन जो है वहां से अब उसकी सियासत होगी अगर मरियम नवाज भी चली जाती है? देखिए, मरियम नवाज जो हैं वो तो बहुत पहले से जो साइलेंस है वो यही चाहती हैं कि किसी भी तरीके से उनको एग्जिट मिल जाए, और पूरा खानदान में सिर्फ वो ही रह गई हैं, और क्योंकि वो एक खातून हैं और खातून होने की वजह से भी वो अपने कार्ड्स प्ले करेंगी एज अ वुमन कि जी मैं तो अकेली हूँ और मेरे भाई और बाप वहाँ पे हैं और बीमार हैं और मुझे जाना जरूरी है, और देखो मैं तो, ये तो सारा एक प्री प्लान्ड इनका एक तमाशा है जो ये पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह रहम करे इस मुल्क के ऊपर, और मेरे ख्याल है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसिबिलिटी ऑफ डिसीजन की जरूरत है, और बहुत सारी चीजें सोच समझ के फैसला करने की जरूरत है। किसी भी चीज के लिए पहले से जवाब दे देना या पहले से उसको इग्नाइट करना मेरे ख्याल में दानिशमंदी का तकाजा नहीं है। हाँ, मगर ये जरूर है कि जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो अब तक हमने देखी हैं पाकिस्तानी होने के नाते, उन पे तनकीद करने और उनके ऊपर बात करने का इख्तियार न सिर्फ हमें है एज अ गवर्नमेंट बल्कि औरों को भी है जो कि मुल्क से बाहर बैठे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल और लोकल मीडिया को भी, कि जो ऊंट किस करवट बैठेगा उसका हम जवाब अभी नहीं दे सकते, मगर ये जरूर है कि मरियम औरंगजेब ने अपने नेक्स्ट कार्ड्स प्ले करने शुरू कर दिए हैं ताकि वो यहाँ से किसी ना किसी तरह से एग्जिट कर जाएं, और फिर वो वहां बैठ के कोई प्लानिंग करें। ये जो नेक्स्ट कार्ड है लेकिन ये जो नेक्स्ट कार्ड है ये क्या किसी किस्म के अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है अंजाम दिए जाएंगे या दिए जा रहे हैं? और हारिस नवाज साहब, हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज जो है वो भी मुकम्मल खामोश है, नवाज शरीफ भी खामोश है, तो ये क्या किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है? क्योंकि शेख रशीद साहब ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि मरियम नवाज अब खामोश ही रहेंगी, तो ये इतनी श्योरिटी क्यों है हुकूमती वुज़रा को कि वहां से खामोशी ही रहेगी? क्या किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है ऑलरेडी? देखें, बात ये नीलम, अगर इस वक्त वो बोलेंगे हुकूमत के खिलाफ बात करेंगी, पॉलिटिक्स में आएंगी, मीटिंग अटेंड करेंगी, जाहिर है कि इससे इनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी।
बेसिक वजह ये है, और इसीलिए नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पर सब खामोश हैं बिल्कुल। दे आर वेटिंग के मरियम नवाज क्या फ्यूचर क्या बनता है, उनको इजाज़त मिलती है ये नहीं मिलती है। एक दफ़ा ये जिस करवट जून बैठेगा उसके बाद आप देखेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी। अगर ये इंग्लैंड चली जाती हैं तो वहाँ से जाके फिर स्टेटमेंट शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे क्योंकि पूरी फैमिली इकट्ठी होगी, देर में एक अपना लायमल बनाएंगे और उसके बाद वो डिस्कस करेंगे। एक तो ये अहम बात है, इसीलिए ये खामोशी है टिल द टाइम मरियम नवाज का गवर्नमेंट क्या फैसला करती है, हाई कोर्ट क्या फैसला करता है, इजाज़त मिलती है ये नहीं मिलती है, उसके बाद ज़्यादा सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। लेकिन फिर ये तो ज़ईम कादरी साहब, फिर ये तमाम मामलात किस तरह से देखे जाएंगे? हम देखते हैं कि मरियम औरंगजेब जो है वो नवाज शरीफ साहब की हेल्थ के हवाले से बताती हैं कि उनके जो दिमाग है उसको खून पहुंचाने वाली जो शरियान होती है, आर्टरी होती है, वो 88% जो है ब्लॉकेज है उसमें, और डॉक्टर्स ने अब उनको अमेरिका में मेडिकल ट्रीटमेंट को सजेस्ट किया है और प्लेटलेट्स की उन्होंने कहा कि इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन अब अगर नवाज शरीफ साहब अमेरिका जाएंगे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो ऑब्वियसली ही नीड्स मोर टाइम, तो ये किस तरफ मामला जा रहे हैं? क्या उनकी वापसी होगी? क्या शहबाज शरीफ की वापसी होगी? वो तो अंडरटेकिंग देकर गए थे, हैंड रिटन जो है उन्होंने नोट दिया था, और फिर ये मरियम नवाज भी अगर जा रही हैं तो ये तमाम अफराद इनकी वापसी भी कहीं नजर आती है आगे हॉराइजन पर, या सिर्फ ये एक इन अ वे एग्जिट ही होता हुआ नजर आएगा? हाँ देखिए, एक तो जहां तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है वो तो बेल पे थे और ही वॉज नॉट इवन ऑन दी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, वो गए थे पहले भी, आपको शायद याद हो, जो वाउच किया उन्होंने फॉर मोहम्मद शहबाज नवाज शरीफ साहब, दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्ट, और उसके मुताबिक उसमें ये शिक डाली गई थी कि अगर मजीद किसी टाइम की ज़रूरत हुई तो उस मुल्क के डॉक्टर्स, क्योंकि वहाँ तो शायद प्राइम मिनिस्टर साहब शक ना कर पाएँ अपनी टीम्स पर, अपनी हेल्थ मिनिस्टर पे, पंजाब की पूरी हेल्थ मिनिस्ट्री पे, और फिर शौकत खानम के डॉक्टर्स पे, जिस तरह उन्होंने जो कुछ किया और बताया, और उसके बाद शकुक व शुबहात हुकूमत की तरफ से ही सामने आ गए, तो यकीनन इससे ये लगता है कि वो, आई डोंट वांट टू से दैट कि अगर किसी ने किसी को, इफ़ इट ऑल, आई एम नॉट सेइंग दैट किसी ने इसमें प्ले अराउंड किया है, तो यकीनन कोर्ट के सामने तो रिपोर्ट जानी है ना बीबी। नाउ जज इज़ नॉट अ डॉक्टर, इफ़ यू अपॉइंट अ बोर्ड which is comprising of your own people who are running the show, running the government, and then somebody from Shaukat Khanum and one person from the Sharif family gives a comprehensive report ke ye isme problems hai aur yahan par is particular cheez ka ilaaj nahi hai, aur court decide kar deti hai, to fir mere khayal mein court ko zimmedar thehrana jo hai wo badi zyadti hogi. hame adalaton ke faislon par कुछ थोड़ा सा, चाहे वो पीएमएलएन हो या वो पीटीआई हो, थोड़ा सा हौसला करके अदालतों के फैसले पर इतबार करना चाहिए, और जिस तरह ह्यूमन कराए गवर्नमेंट ने मचाई उसके बाद, शो का वक्त भी कम रह गया, और जिस तरह कहा गया कि वो किसी की आंखों में मिर्चे डाल के चले गए, आई थिंक दिस वाज रिडिकुलस खिताब जो है वो किया जाता है। और ज़ईम कादरी साहब, हम आपकी जानिब आएंगे। हारिस नवाज साहब, आज एक और अहम खिताब सामने आता है नैब चेयरमैन साहब की जानिब से, वो कहते हैं कि हवाओं का रुख बदल रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि बीआरटी जो पिशावर बीआरटी है और मालम जब्बा है उस पर रेफरेंसेस तैयार हो चुके हैं, लेकिन हुक्म इम्तना की वजह से कार्रवाई नहीं हो रही, और उन्होंने ये भी कहा है कि बड़े बड़े छक्के मारने वाले जो हैं वो जेलों में बैठे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि जब ये हुक्म इम्तना खत्म होगा तो रेफरेंस दायर कर दिए जाएंगे। अब सवालात यहाँ ये उठाए जा रहे हैं इस खिताब के बाद कि क्या नैब हुकूमत की तरफ इशारा कर रही है कि नैब का रुख अब हुकूमत की जानिब होता हुआ नजर आएगा, और बड़ा क्लियर कट आज उन्होंने ये कहा है। देखिए नीलम, बात यह कि चेयरमैन नैब को ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ही इज अ न्यूट्रल पर्सन, ही हैज टू से कि जी ये केसेस हमारे पास आए हुए हैं, हम मेरिट पे कर रहे हैं, इतने केसेस हमने डिस्पोज ऑफ किए हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है, एंड वी आर डूइंग ऑन मेरिट, एंड वी आर नॉट कंसर्न कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं, वी हैव अ सिस्टम जो इसकी तरफ वर्क करते हैं। ये बातें ऐसी करने के लिए कि हमने केस कर लिए हैं, हमारा रुख बदल रहा है, ये किस्म की सियासी तकरीरें हो जाती है। चेयरमैन नैब टू जस्ट अवॉइड इट, ही शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ एनी वन, ही शुड से वी गो ऑन मेरिट। लेकिन हारिस नवाज साहब, आप कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब को अवॉइड करना चाहिए सच स्टेटमेंट्स देने से, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हकूमती वुजरा
पेशन गोइयां करने से गुरेज करें। वुजरा कहते रहे हैं फलां शख्स गिरफ्तार हो जाएगा, ऐसी पेशन गोइयां करने से गुरेज किया जाए। वो तो हुकूमती वुजरा को रोक रहे हैं कि उनको ये फोरकास्ट प्रेडिक्शन नहीं देनी चाहिए। देखें, यही मैं बात करता हूँ, गवर्नमेंट को भी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, जिसकी वजह से चेयरमैन ने आपको कहना पड़ा दे द वे। आपको ये कहने के बजाय चेयरमैन कैन राइट अ लेटर टू लॉ मिनिस्ट्री थ्रू टू द गवर्नमेंट कि जी आपके ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, इट अफेक्ट द सिस्टम ऑफ वर्किंग ऑफ नैप, काइंडली इसके ऊपर कोई कमेंट ना किए जाए, एंड वी बिलीव वर्किंग एज सेमी ऑटोनमस बॉडी और हम अपना काम करते हैं। बट आके इस मौके पे ऐसी बातें करना, मेरे नहीं ख्याल के चेयरमैन आपको क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए। ही शुड नॉट क्लेरिफाई, रादर ही शुड वर्क जो भी आप मेरिट पे कर रहे हैं। लेकिन ज़ैम कादरी साहब, एक और जो बड़ी अहम बात की गई चेयरमैन नैप की जानिब से, वो अपने आज ही के खिताब में कहते हैं कि तकरीरों से कुछ नहीं होता और हुकूमत साबित करे कि वो रियासत मदीना बना रहे हैं। देखा जाए तो अब ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल डायरेक्ट वजीर आजम को जो है उन्होंने इनडायरेक्टली एड्रेस किया है, तो ये सवाल तो फिर यहाँ पे ये भी हो रहे हैं कि ये बयान देने की चेयरमैन नैब को क्यों जरूरत पेश आ रही है, वो इतना डायरेक्ट क्यों जा रहे हैं हुकूमत के ऊपर, यानी वो हवाओं का रुख जो बदलने का कह रहे हैं, उसके बाद बीआरटी का जिक्र करते हैं और फिर अब ये इतनी बोल्ड स्टेटमेंट दे देना। देखिए, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये आदत है कि वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि हम नॉन पार्टिजन इदारों को भी पार्टिजन बना देते हैं। पिछले एक साल से जिस तरह हुकूमत ने, एक तो मैं यकीन कहूँगा गवर्नमेंट ने, अपोजिशन ने भी, जिस तरह उन्होंने नैब पर फिक्रे कसे और उंगलियाँ कसी और उनको एक सिस्टम का हिस्सा करार दिया, तो उनको लामहाला तौर पर ये रिएक्ट करना पड़ गया कि भाई नहीं, इस तरह नहीं है, ये इस तरह है और मैं सब कुछ करूँगा। और ये राइटली सो कि भाई 10-30 साल का सिस्टम एक तरफ है, 15 माह का एक तरफ है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने गुफ्तगू की है वो सबसे बड़ी मजाकिया खेज है। मेरी बहन अभी फरमा रही थी, ब्रिगेड साहब ने भी कहा मैच्योरिटी, तो जब आप गवर्नमेंट की वर्किंग और सिस्टम्स को देखते हैं, स्टेट, तो उसमें बिल्कुल खत्म हो चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो गवर्नमेंट की मैच्योरिटी। नवाज साहब आपका, गजाला सैफी साहिबा आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजिन, आज वजीर आजम ने एक और बात भी कही, उन्होंने कहा कि जमहूरियत में जवाबदेही और मेरिट का सिस्टम होता है, बादशाहत कभी जमहूरियत का मुकाबला नहीं कर सकती। लेट्स होप के वजीर आजम जिन प्रिंसिपल्स के हवाले से बात कर रहे हैं जमहूरियत में जिन सिस्टम्स में इंप्लीमेंट करने के लिए, वो प्रिंसिपल्स खुद वो अपनी जमहूरियत में होना वाला जो सिस्टम है उसमें इंप्लीमेंट करते हुए नजर आए। आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन, अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।